गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन आर लास्ट लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज व्हेन द एग एंड स्पर्म फ्यूज इनसाइड द फीमेल बॉडी टू फॉर्म अ जाइगोट. इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. जब फर्टिलाइजेशन का इवेंट यानी कि एग और स्पर्म का फ्यूज होना हो कहां पर, फीमेल बॉडी से बाहर, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इन दिस द फीमेल एनिमल्स एग आर फर्टिलाइज बाय स्पर्म आउटसाइड हर बॉडी. यानी कि एग को फर्टिलाइज किया जाएगा कहां पर, स्पर्म के द्वारा बॉडी के बाहर. इन फ्रॉग एंड मोस्ट ऑफ फिशेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनली कहां पर होती है, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर मिलते हैं मेनली उनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. द मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीज द स्पर्म एंड एग इन वॉटर. क्योंकि जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या करेंगे, जो मेल एनिमल होगा वो अपने स्पर्म और जो फीमेल एनिमल होगा वो अपने एग कहां पर छोड़ देगा, पानी के अंदर. यानी कि पानी के अंदर आने के बाद एग और स्पर्म फ्यूज करेंगे. यानी कि बॉडी से बाहर आने के बाद क्या हुआ, उनका दोनों का फ्यूजन हुआ और क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे. द स्पर्म देन कोलाइड विद एग्स एंड फर्टिलाइज देम आउटसाइड द बॉडी. क्योंकि उसके बाद स्पर्म और अटैक कराएंगे और क्या करेंगे, एग को वो फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, तो क्या बनेगा, जायगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग बनेगा. उसके बाद है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स, जैसा वो बता दिया मैंने पहले ही, सच एज फ्रॉग, फिश, स्टार फिश. ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर मिलते हैं, तो इनके अंदर कॉमन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, जब रेनी सीजन होता है उस टाइम पर क्या होता है, फ्रॉग्स मूव टू द वॉटर इन पॉन्ड्स. फ्रॉग कहाँ मूव कर जाएंगे, पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर. एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स वेन द मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग कम टूगेदर. जब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग आसपास आएंगे तो क्या करेंगे, फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग. फीमेल फ्रॉग जो है वो कई सारे एग्स पानी के अंदर छोड़ देगी. उसके बाद अनलाइक द हैंस एग, फ्रॉग्स एग आर नॉट कवर्ड बाय हार्ड शेल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जिस प्रकार हम देखते हैं कि मुर्गी का अंडा कैसा होता है, हार्ड सा होता है, लेकिन जो फ्रॉग का अंडा है वो ऐसा नहीं होता. फ्रॉग के अंडे के बाहर कोई भी हार्ड शेल या फिर हार्ड कवरिंग नहीं होती, क्योंकि फ्रॉग का एग क्या है, बहुत ही डेलिकेट नाजुक होता है. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द फ्रॉग एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग. जो लेयर है किसके बाहर, जो हमने पीछे पढ़ा था कि ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि एग की सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, एक जेली कोट है जो क्या करेगी, अंदर वाले मैटर को प्रोटेक्शन देगी. और क्या काम था इसका, एक से ज्यादा स्पर्म एग के अंदर एंटर ना हो, ये भी कौन चेक करता है, जेली कोट. क्योंकि एक स्पर्म एंटर करते ही जेली कोट हार्ड हो जाएगी, उसके बाद कोई और स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इनके अंदर हार्ड शेल नहीं होगी, सिर्फ एक डेलिकेट सी मेम्ब्रेन है बाहर जेली कोट की. द स्पर्म स्विम रैंडमली इन वॉटर विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टेल. अब स्पर्म क्या करेगा, पानी के अंदर आ गए कौन कौन, एग और स्पर्म. अब स्पर्म मूव करता हुआ कहां तक आएगा, एग तक आएगा. व्हेन द स्पर्म ऑफ फ्रॉग कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग फ्लोटिंग इन वॉटर देन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. उसके बाद दोनों फ्यूज हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी. इनकी ऐसा फ्यूजन जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर आके आपस में कॉन्टेक्ट में आए, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जस्ट लाइक फ्रॉग्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन फिश. फ्रॉग की तरह ही फिश के अंदर भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. व्हेन द मेल फिश एंड फीमेल फिश कम टुगेदर इन वॉटर द फीमेल फिश लेज हंड्रेड ऑफ एग. जिस प्रकार से मेल और फीमेल फ्रॉग आपस में कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या करते थे, एग और स्पर्म रिलीज करते हैं, उसी प्रकार फिश के अंदर भी होगा. जैसे फिश, मेल फिश और फीमेल फिश आसपास आएंगे तो क्या करेंगे, दोनों अपने एग और स्पर्म रिलीज कर देंगे, फिर वो आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा, एक अडल्ट फ्रॉग या फिश ये बनेंगे डेवलप होने के बाद. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि जो हंड्रेड्स ऑफ एग या फिर मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, ये इतने सारे एग स्पर्म क्यों रिलीज होते हैं, कोई एक एग या फिर एक स्पर्म रिलीज होने के बाद और वो कॉन्टेक्ट में क्यों नहीं आ रहे, इतने सारे एग और स्पर्म बनने की जरूरत क्या है, हमें वो पढ़ना. वाई द एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिश ले हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम. कि एक टाइम पे फिश और फ्रॉग एनिमल जो है वो इतने सारे स्पर्म और एग क्यों बना रहे हैं, इसके तीन रीजन है. फ्रॉग लेज एग एंड रिलीज स्पर्म इन वॉटर.
जो फीमेल फ्रॉग बना देगी एग और स्पर्म बना देगी, उसके बाद क्या होगा, मैनी ऑफ दीज एग एंड स्पर्म आर कैरिड अवे बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर विंड और रेनफॉल एंड हैंस ऑल द एग डू नॉट गेट फर्टिलाइज। यानी कि स्पर्म और एग रिलीज हो रहे हैं, अगर मान लो एक एक रिलीज हो और पानी बह रहा हो तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, डायरेक्शन में बिना फ्यूज हुए, तो क्या हुआ, इन दोनों से स्पर्म और एग मिल के क्या नहीं बना पाए, जायगोट तो बना ही नहीं पाए। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे एग स्पर्म रिलीज होंगे ताकि कुछ ना कुछ तो कॉन्टेक्ट में आए, अगर विद द मूवमेंट ऑफ वाटर हर सारे एग और स्पर्म एक दूसरे से अलग अलग ना हो, कुछ कुछ एक स्पर्म और एग जो आपस में कॉन्टेक्ट में आ गए जायगोट बना सके। मैनी ऑफ द एग ऑफ फ्रॉग आर ईटन बाय अदर एनिमल्स विच लिव इन वॉटर। अब फ्रॉग फिश के अलावा भी कुछ एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर, तो क्या होता है, क्योंकि ये स्पर्म और एग है बहुत डेलिकेट है, इनकी बाहर कोई हार्ड कवरिंग नहीं है, तो ये सेफ नहीं होते पानी के अंदर, जो अदर एनिमल्स है वो स्पर्म एग को खा सकते हैं फ्रॉग के या फिश के। मैनी ऑफ द लार्वे ऑफ फ्रॉग एंड फिश विच आर हैच्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज एग आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स इन वॉटर एंड फेल टू डेवलप इन टू अडल्ट फ्रॉग। अब यहां तो क्या था कि एग और स्पर्म को खा लिया डायरेक्ट दूसरे एनिमल्स ने, तो एग और स्पर्म मिलके जायगोट बना ही नहीं पाए। इस टाइप में क्या होता है, अगर मान लो जायगोट बन भी गया तो जायगोट के बाद क्या होता है फ्रॉग के अंदर, पहले बनता है लार्वा, उसके बाद बनता है एडल्ट फ्रॉग। लेट मी शो यू अ पिक्चर। यहां देखो, जो फर्टिलाइज एग होगा उससे पहले क्या बनेगा, एक लार्वा बनता है। ये मतलब कि एडल्ट फ्रॉग के बनने से पहले की स्टेज है, ये वो स्टेज है लार्वा स्टेज जो पानी के अंदर इजिली स्विम कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टैडपोल लार्वा, यानी कि ये टैडपोल जो है ये है फ्रॉग का लार्वा। तो क्या होता है, जायगोट से पहले क्या बनता है, टैडपोल लार्वा बनता है। तो इस स्टेज में ही क्या हो सकता है, कोई और एनिमल्स को खा सकते हैं, यानी कि लार्वा तो बन गया लेकिन इसको खा लिया किसी और एनिमल्स ने, तो अब क्या हुआ, एडल्ट फ्रॉग नहीं बन सका। तो कुछ एक एग और स्पर्म मिलने के बाद भी क्या हो जाता है, लार्वा स्टेज में इनको खा लिया जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे एग और स्पर्म बनते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो एडल्ट फ्रॉग की स्टेज तक पहुंच पाए। ठीक है, उसके बाद है, सो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एग लेड बाय फीमेल फ्रॉग ओनली अ फ्यू विल सर्वाइव। सिर्फ कुछ एक सर्वाइव कर पाएंगे टू बिकम एडल्ट फ्रॉग, क्या बनने के लिए, एडल्ट फ्रॉग बनने के लिए। तो इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे एग और स्पर्म रिलीज हुए। अब नेक्स्ट है, जायगोट बन गया, मतलब जायगोट तक बने की स्टोरी समझ आ गया आपको, कि मेल बॉडी से बना स्पर्म, फीमेल बॉडी से बना एग, दोनों फर्टिलाइज हुए, क्या बनाया, जायगोट बना दिया। अब जायगोट फर्दर डेवलप होगा क्या बनाने के लिए, कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए, पूरा एक बेबी बनाने के लिए, यंग वन बनाने के लिए। तो ये भी क्या होता है, द मेथड इन विच जायगोट ग्रो एंड डेवलप इनटू फुल ऑर्गेनिज्म आल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल। यानी कि जायगोट के डेवलप होने का पैटर्न भी अलग अलग एनिमल्स में अलग है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स जायगोट ग्रो एंड डेवलप इनटू बेबी इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये कहां पर होता है, ह्यूमन बींग के अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो बेबी बन रहा है, जायगोट बन रहा है, वो कहां पर बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा जायगोट। अब जायगोट की फर्दर डेवलपमेंट कहां भी होगी, फीमेल बॉडी के अंदर ही, मदर की बॉडी के अंदर ही जायगोट से एक बेबी बनेगा। उसके बाद है, एंड देन द मदर गिव बर्थ टू द बेबी, यानी कि उसके बाद लगभग 9th मंथ तक बेबी की कंप्लीट डेवलपमेंट होगी, उसके बाद बेबी कहां पर आएगा, मदर की बॉडी से बाहर। जस्ट लाइक ह्यूमन, कैट डॉग ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग, इसी प्रकार जैसे ह्यूमन बींग में होता है, कैट डॉग भी डायरेक्ट अपनी यंग वन को ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ और एनिमल्स भी हैं उनके अंदर पूरा प्रोसेस ये है, पूरा डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हैन सिट्स ऑन इट फर्टिलाइज एग। हैन क्या करती है, एक मेल हैन होगा, एक फीमेल हैन, मेल हैन से स्पर्म बना, फीमेल हैन से एग बना, स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंटर किया और क्या कर दिया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, क्या बनाने के लिए, जायगोट। यानी कि यहां पर भी क्या हुआ, हैन के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो जायगोट बना है वो बॉडी के अंदर बना, फीमेल बॉडी के अंदर। इस स्टेज में क्या होगा, ये जायगोट है, फर्टिलाइज एग है, इस स्टेज में ये जायगोट या फर्टिलाइज एग बॉडी से बाहर आ जाएगा, बॉडी से बाहर, किसकी बॉडी से बाहर, फीमेल बॉडी से बाहर। अब फर्दर डेवलपमेंट जायगोट कहां होगी, बॉडी से बाहर। लेकिन ह्यूमन बींग में क्या हो रहा था, ह्यूमन बींग में जायगोट की डेवलपमेंट लगभग 9th मंथ तक कहां पर होती है, फीमेल बॉडी यानी कि मदर के अंदर होती है। लेकिन हैन वगैरह के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइज एग या फिर जायगोट की कंडीशन में ही ये एग बाहर आ जाएगा, फीमेल बॉडी से बाहर, और उसके बाद क्या होगा, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम टू गिव बर्थ, अ हैन सिट ऑन इट्स फर्टिलाइज एग। अब क्या करेगी, हैन अपनी इस जो जायगोट है फिर फर्टिलाइज एग है इसके ऊपर बैठी रहेगी कुछ टाइम के लिए, टू गिव देम वार्म्थ, उनको गर्मी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उन्हें वो कंडीशन देने के लिए कि कुछ एनवायरमेंट वो डेवलप हो सके। तो जायगोट का डेवलपमेंट कहां पर हुआ, फीमेल बॉडी से बाहर आने के बाद,
हैन क्या हुआ, हैन एग के ऊपर बैठी रही उन्हें वॉर्म्थ देने के लिए। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड द जायगोट ग्रो, अब जिस टाइम तक ये बैठी रहेगी उसके ऊपर अपने अंडों के ऊपर, तो उससे क्या होगा, इस पीरियड के टाइम में जायगोट ग्रो करेगा एंड डेवलप टू फॉर्म अ कंप्लीट चिक। क्या बनाने के लिए, पूरा चिक बनाने के लिए वो डेवलप होगा। चिक क्या था, हमने बताया था पहले कि हैन के बच्चे को बोलते हैं चिक। तो क्या हुआ, जायगोट से चिक कहां पर बना, फीमेल बॉडी से बाहर आने के बाद। दिस चिक देन कम्स आउट ऑफ द एग बाय ब्रेकिंग इनटू शेल। फिर चिक क्या होगा, ये चिक बाहर आएगा एग से, कैसे, शेल को तोड़ के, क्योंकि हैन की एग के बाहर क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है, तो उसको तोड़ते हुए चिक क्या है, उस एग से बाहर आएगा, इसे बोलते हैं हैचिंग। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट गिव बर्थ टू इंडिविजुअल लाइक ह्यूमन डू। इससे क्या पता लगा हमें कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन बींग की तरह इंडिविजुअल को बर्थ नहीं देते, डायरेक्ट अपने बच्चे को प्रोड्यूस नहीं करते। कुछ एक में क्या होता है, कुछ एक में जायगोट या फिर फर्टिलाइज एग की फॉर्म में ही क्या हो जाएगा, एग जो बाहर आएगा बॉडी से, और उसकी फर्दर डेवलपमेंट कहां पर होगी, बाहर आने के बाद। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के बारे में। आज के लिए बस यहीं तक।